नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन साथियों अपने हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गए हैं और वो बिंदु अपना चल रहा है शब्द विचार। शब्द विचारों में हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द पढ़ रहे थे और उस रूप परिवर्तन के आधार पर हमने ये जाना कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। तो अब हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे साथियों, और विकारी शब्द का पहला बिंदु हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था संज्ञा। नए तरीके से हमने पढ़ा, उसी प्रकार हम सर्वनाम को पढ़ने वाले साथियों। तो हमारा आज का जो बिंदु होगा वो होगा सर्वनाम। तो शुरू करते हैं अपना आज का बिंदु सर्वनाम। जब अपन बात करेंगे सर्वनाम की तो सबसे पहले हमें इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ना होगा। तो देखो, सर्वनाम वैसे तो हम सामान्य तौर पर इसे जानते भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अब इसको अलग तरीके से पढ़ना होगा और वहां से हम ना आधुनिक जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको हल करना है। तो देखो, सर्वनाम सबसे पहले तो अपने मित्रों इसके शाब्दिक अर्थ पर आएंगे, यानी सर्वनाम जो शब्द है खुद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ ये शब्द बना है कैसे, सर्व प्लस नाम, यानी सर्व योग नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है नाम, यानी सभी नाम। देखो, यानी हमने शब्द का अर्थ जाना सर्वनाम, सर्व माने सभी और नाम माने नाम, यानी सभी नाम। अब यहाँ कोई इसकी परिभाषा नहीं बनती। अगर हम ये कह देंगे कि सभी नाम को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, तो साथियों हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब सभी नाम को सर्वनाम कहते हैं तो फिर संज्ञा किसको कहेंगे। हमने ये बात पिछले अध्याय में की है और इसकी हमने विस्तृत वार्ता है, हमने पिछले अध्याय में अच्छी तरह से किया है कि इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है या जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी जो वस्तुएं हैं उनका जो नाम है उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये तो शाब्दिक सामान्य अर्थ है, लेकिन अब हम बात करते हैं सर्वनाम की, यानी सर्वनाम के परिभाषा की बात करते हैं। ये भी सबका नाम होगा, लेकिन ये कैसे होगा, अना संज्ञा से जुड़ा हुआ ये बिंदु है। अब अपन बात करते हैं इसकी अगली। तो अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, अगर हम सर्वनाम की क्या बात करें, परिभाषा की, परिभाषा को पढ़ने से पहले आप लोगों को सर्वनाम को थोड़ा सा समझना होगा। हम लोग लगातार निरंतर सर्वनाम को पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने एक नपी तुली परिभाषा देखी है, है ना, और वह परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वास्तव में ये परिभाषा बिल्कुल सही भी है, ऐसा नहीं है कि इस परिभाषा में कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा और तरीके से समझना होगा, हर एक बात को समझना होगा, तब जाकर के हमें थोड़ा सा आगे पता चलेगी इन प्रकार की चीजों की कि किस प्रकार हम इसका अध्ययन करें। तो बात अपन परिभाषा की कर रहे हैं, किसके, सर्वनाम की। तो साथियों सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है पहले ही, यानी किसी भी व्यक्ति व्यक्ति, उसके बाद हमने बात की वस्तु, उसके बाद हमने बात की स्थान और उसके बाद हमने की भाव, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान व भाव, यानी इन सभी के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब अपन बात करेंगे इन्हीं के ही, ना जब इनका नाम नहीं लिया जाता है, यानी इन्हीं चीजों का दौरान होता है, तो उस शब्द से बचने के लिए, यानी इन्हीं की जगह कुछ शब्द, है ना, कई शब्द ऐसे जिनका काम ले लिया जाता है, यानी ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा है, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे, और इनके जगह अगर कई शब्द है जो काम लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वो सरल परिभाषा हो गई, यानी अगर मैं सरल परिभाषा दूं तो ये हो जाएगी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को,
विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये वही परिभाषा है जो हम छठी कक्षा से पढ़ रहे हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द मैं यहाँ जानबूझ करके इसके अंदर डाल रहा हूं, जैसे हमने क्या डाल दिया, विकारी शब्द हमने परिभाषा में नहीं देखा, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, विकारी शब्द। तो विद्यार्थियों हिलने की मतलब यहाँ कोई ज्यादा अचंभित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को चिंता नहीं है कि विकारी शब्द क्यों डाला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि खुद संज्ञा शब्द भी क्या है विकारी, और खुद ये जो सर्वनाम शब्द है ये भी क्या है विकारी, विशेषण भी क्या है विकारी, और क्रिया भी क्या है विकारी, ये चार क्या होते हैं विकारी शब्द होते हैं। तो हमें यहाँ कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो परिभाषा हमें क्या कहते हैं, किसी चीज को समझना बहुत जरूरी है, रटते रहोगे तो आप भूलते जाओगे, और जब भूलते जाओगे तो सफलता से दूर होते जाओगे, ठीक है। तो हमें रटना नहीं है, बात क्या थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को, विकारी शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यह बात होगी कंप्लीट। अब ये संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होते हैं भाई, ऐसा तो कोई कारण रहा होगा, यानी कोई तो इस प्रकार का तर्क हमारे पास है कि हम संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग कर देते हैं। अरे कोई तो ऐसा कारण रहता है, कोई स्थिति बनती होगी, ऐसी कोई स्थिति बनती होगी, ऐसी कोई परिस्थिति बनती होगी, तब ये प्रयोग होता होगा। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरी जगह यहाँ कोई दूसरा पढ़ाएगा, तो कोई तो ऐसा कारण बनेगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तब वो पढ़ा रहा है। तो ऐसी कुछ शर्तें है ना, वो है, उन पर मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं ये दोस्त वाक्य लिखता हूँ, इसे आप समझो। जैसे मैंने लिख दिया, मोहन, जैसे मैंने लिखा मोहन एक अध्यापक है, सीधा लिख दिया मोहन अध्यापक है, ये लो मैंने लिख दिया कि मोहन अध्यापक है। अब मैं इसी वाक्य को, यानी मैं एक और वाक्य लिख दूं इसी के पास जोड़ते हुए, मोहन अध्यापक है, मोहन बहुत सुंदर है, मोहन ईमानदार है, इस प्रकार कितने ही शब्द है जो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहां मूल जो बात क्या थी उस पर हमें गौर करनी है, और वो क्या है कि मोहन अध्यापक है मैंने लिखा, और फिर मैंने मोहन फिर लिख दिया कि मोहन बहुत सुंदर है, इसी प्रकार फिर मैंने लिखा मोहन ईमानदार है, ऐसे में आगे लिखता लिखता बहुत सारा है ना मोहन लिखूंगा और आगे लिखता जाऊंगा। और वास्तविक तो बात ये थी कि अगर मैं यहाँ क्या करता, अभी मैं बात करूंगा कि अगर अपन इस प्रकार किसी चीज को या कोई कहानी लिख देते हैं कि एक बार एक राजा था है ना, और अपन अगर इस प्रकार बोलते थे, वो कहानी बोलते, जैसे मैं कहानी बताता हूँ आप सुन ले, जैसे मान लो मैं कहानी तीन लाइन की बताता हूँ कि एक बार एक राजा था, राजा के दो पुत्र थे, राजा बड़ा ईमानदार था, राजा अपने प्रजा का पालन करता था, राजा अपनी प्रजा के हर कार्य को करता था, राजा के एक पुत्री थी, राजा के एक रानी थी। अगर मैं इसी प्रकार करता रहा तो मैं बार 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 एक शब्द बोल रहा हूँ वो राजा, उससे आप लोग परेशान हो जाओगे और लिखने वाला भी परेशान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि अगर हम एक ही बार राजा बोल दें और बाकी क्या कर दें, अगर राजा की जगह कोई अन्य शब्द का प्रयोग कर लें, तो ध्यान दें मित्रों, वही जो शब्द है जो राजा का स्थान ले सकता है, उन्हीं शब्दों को कहते हैं क्या, सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार मैंने यह आपको बताया है कि मोहन अध्यापक है, ये तो ठीक है। तो हमें पता है, सबसे हमें पता चल रहा है कि मोहन क्या है, संज्ञा, मोहन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक क्या हो गई, संज्ञा हो गई, ठीक। अब फिर भी अपन क्या लिख रहे हैं, मोहन, फिर और क्या लिख रहे हैं, मोहन नहीं, अगर एक बार लिख दिया मोहन अध्यापक है तो अब ये लिखा जा सकता है वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, या वह ईमानदार है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस मोहन की जगह अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए था, वह लिखना चाहिए था, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए था, वह लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम अच्छी तरह से पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये इनके स्थान पर प्रयुक्त होंगे, जैसे यह, तो हम समझ जाएंगे मोहन अध्यापक है, वह बहुत सुंदर है,
वह बहुत सुंदर, हम समझ गए कि सुंदर कौन है, मोहनी तो है, बात इसी की चल रही है। इसी प्रकार वह अपन लिखते थे वह ईमानदार है तो भी हो सकता था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो महत्व है किसका, स्वर्णनाम का। अब मैं एक और बात बता देता हूं, यही जो आपको लिखवाऊंगा अभी। अब देखो यहां मैंने मोहन लिखा, यहां मैंने मोहन लिखा, यहां मैंने मोहन लिखा, कहने का मतलब एक ही शब्द की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही शब्द की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है, स्वर्णनाम है। तो देखो इसके लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो बात मैंने यहाँ बताई, दोबारा देख लो, शाब्दिक अर्थ सर्व प्लस नाम, सभी का नाम, लेकिन ये नहीं है कि हम संज्ञा कह दिया इसको, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं, स्वनाम कहते हैं। अगर विकारी नहीं लिखे तो भी अपना उत्तर निकल जाएगा, संज्ञा मोहन अध्यापक। कहने का मतलब बार बार इस शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किस शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, स्वनाम का। तो अब यहाँ वह क्या है, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर क्या किसके रूप में प्रयुक्त होंगे, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, और ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई है पुनरावृत्ति रोकने के लिए। व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव वो तो क्या है, सारे संज्ञा के भेद हमने कल ही पढ़ रखे हैं। तो आप देखो इससे आगे और हम क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ प्राप्त की है। अब अगर आप लोग सार समझ गए हो तो अब धीरे धीरे आप सब कुछ चीज समझने वाले हो। देखो अब अपन बात करते हैं संज्ञा के भेद या प्रकारों की। तो अपना अगला जो बिंदु है वो है, सॉरी सर्वनाम संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के भेद। इस प्रकार का शब्द हमें मिलता है, और इस भेद का अगर हम ये बात कर दें प्रकार की, तो अभी बात तो क्या है, समान ही है। यानी संज्ञा मतलब सॉरी सर्वनाम के भेद और प्रकार, जब अपन सर्वनाम के भेद और प्रकार पढ़ेंगे तो अब देखो यहाँ नपातुला वही बात है, हम बार बार है ना, मतलब छठी सातवीं से लेकर के लगातार किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप पढ़ रहे हो, तो वहां तक आप लोगों को ये बात आप पढ़कर आ रहे हो कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो वो कितने होते हैं भाई, छह प्रकार होते हैं भाई। सीधा सीधा याद रखना है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, छह। अब कौन कौन से होते हैं ये याद करना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इनको याद करते हुए गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है इनके पीछे लगता है वाचक, वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। तो वो जो वाचक शब्द है मतलब बताने वाला, वाचक का मतलब हो गया बताने वाला, तो वो ये वाचक शब्द लगते हैं संज्ञा शब्दों के भी लगता है, और इधर किसके लगता है, सर्वनाम के भी, विशेषण के भी। तो ये जो वाचक वाचक लगता है, तो हम इन वाचक वाचकों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और फिर पता नहीं चलता कौन सा सर्वनाम रह गया है, कौन सी संज्ञा रह गई है, और कौन से विशेषण रह गए। तो ये हमें याद करना भी जरूरी है जब अपन बात करेंगे, यानी हमारे पहले भेद या प्रकार की, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, पुरुषवाचक। कौन सा आ जाएगा भाई, पुरुषवाचक। अगर अपन बात करेंगे दो नंबर की, तो वो अपना पुरुषवाचक के बाद में अपन ले लेते हैं किसको, निश्चयवाचक को, और निश्चयवाचक के बाद अपना कौन सा आएगा, अनिश्चय। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चय, और अनिश्चय के बाद हमारा क्या होने वाला है, ये देखो अपना अगला ले लेते हैं चार नंबर। जैसे हम यहां पर एक संबंध, ये लो संबंधवाचक
और संबंध वाचक क्या है सर्वनाम, और अगर अपन पांच नंबर की बात करें तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक अपना छह नंबर है वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहले तो आप यहीं पर इस चीज को याद कर लेना, यानी ये अपने छह ही सर्वनाम होते हैं, पहले आप इनको याद कर लेना कि पुरुष निश्चय और अनिश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न निज, संबंध प्रश्न निज, पुरुष निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न निज, ये अपने छह क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं। अब इन छह सर्वनामों को हम क्या करते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, जहां से भी परीक्षा में संभावनाएं बनती है प्रश्नों उत्तरों की तो अपन उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब हम एक नंबर लेते हैं, और एक नंबर अपना कौन सा है, एक नंबर अपना है पुरुषवाचक सर्वनाम, यह जो था पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा शुरू हो गया, एक नंबर अपना कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें यहाँ पर अब वो नहीं है कि हम उस प्रकार परिभाषाएं लिखेंगे, लंबी सी परिभाषा लिख देंगे और फिर याद करेंगे, नहीं, हमारा यहाँ मूल उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन को क्या करना, यानी कि हल उसमें जीत कर जीतना, विजय करना, उसमें हमें फाइट करना, और मतलब नौकरी अपने जॉब के पास क्या करना पहुंचना। तो आप लोगों को एक ध्यान रखनी है, और वो कौन सी कि अब हम यहाँ बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा संक्षेप में ही पढ़ लेंगे ताकि वहां से क्या हो जाए अपना सार निकल जाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले तो आप लोग इसकी परिभाषा सुन सकते हो, बड़ी सामान्य है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा कहने वाले या बताने वाले, है ना, कहने वाले या बताने वाले, सुनने वाले, है ना, वक्ता या श्रोता अपन कह सकते हैं, और या अन्य किसी व्यक्ति का क्या होता हो बोध होता हो, तो वहां पर ये जो शब्द है ये उन लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नहीं समझे होंगे आप लोग, लेकिन आप समझो यहां पर दो बात आएगी, एक तो ये कहने वाले या वाला, बहुवचन कर देते हैं कहने वाले, ठीक है, एक तो इसमें होंगे कहने वाले, एक इसमें कौन होंगे सुनने वाले, सुनने वाले, और एक होंगे कि ये दोनों एक तो कहेगा एक सुनेगा, ठीक है, एक तो मतलब ये कुछ कहने वाले हैं या कुछ सुनने वाले हैं, और एक ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं ये जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब ये अन्य किसी की क्या करेंगे बात, तो अन्य कोई हो जाएगा या अन्य किसी के लिए, है ना, जो काम लिया जाता है अन्य किसी के लिए, तो बात सुनना मेरी आप लोग, यानी तीन प्रकार के यानी पुरुष हो गए, अगर अपन बात करेंगे पुरुषवाचक यानी पुरुष का बोध करवाएगा, और ये पुरुष तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से, एक तो सुनने वाला होता है ना, एक पहले कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा कौन सा अन्य कोई, यानी जो कह रहा है ये किसी के बारे में कह रहा है, और किसको कह रहा है सुनने वाले को कह रहा है, तो तीन प्रकार के पुरुष हो गए साथियों। इन तीन प्रकार के पुरुषों से ही, है ना, अपने यहाँ क्या बन गए, यानी इस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए, तीन भेद, देखो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए, और पहला अपन बात करें तो वह कौन सा होगा, देखो मैं आपको उसी प्रकार बताता हूं, यानी कहने वाले, ये क्या है कहने वाले, दूसरा कौन सा है सुनने वाले, सुनने वाले, और तीसरा अन्य कोई, अन्य किसी के लिए। अब देखो यानी ये जिसकी बात करते हैं अन्य किसी के लिए, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वही अन्य किसी के लिए, तो अब आप मेरी बात सुन ले, कहने वाला सुनने वाला अन्य किसी के लिए, तो आप इन्हीं से प्रकार बन जाएंगे, कैसे, एक नंबर अगर अपन पुरुष की बात करें तो वह हो जाएगा कौन सा उत्तम पुरुष, ध्यान से सुन ले उत्तम पुरुष, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो कहने वाला होता है वो क्या होता है उत्तम पुरुष, जैसे मैं मेरी बात आपको बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ उत्तम पुरुष हूँ, मैं क्या हूँ उत्तम पुरुष, और अगर इस बात को कोई तो सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर क्या हो दो नंबर, है ना, दो नंबर क्या हो मध्यम पुरुष, कौन से पुरुष हो मध्यम पुरुष, ठीक है,
यहाँ तात्पर्य ऐसा मत सोचना कि हम स्त्री भी है ना, वो नहीं है। कहने का मतलब है बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए जिसके लिए वक्ता या श्रोता बात करते हैं, और अन्य किसी के लिए में तो सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है, अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। अब देखो, यानी यहां पर हमारे सामने तीन बातें निकल कर आई है। अगर पुरुषवाच्य की बात करें तो कहने वाले, सुनने वाले, अन्य किसी के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, तीनों के हमने आधार देख लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अपन बात करते हैं ये जो उत्तम पुरुष क्या होता है। अभी हमने बात कर ली है कि किसी भी वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ही पता चल जाएगा कि कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है, ठीक है, और किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ये लड़का ईमानदार है, ये लड़का क्या है? ईमानदार है। अब देखो, यहां अपन कई प्रकार के काम ले रहे हैं। एक तो हमने लिखा यह है लड़का ईमानदार है, ठीक है। अब कहने का मतलब हमें यहाँ इस वाक्य में तो ये दिखाई दे रहा है कि एक तो ये का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हमसे ये पूछ ले कि इसमें कितने सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो हमें दिखाई तो यही दे रहा है कि एक है, लेकिन वास्तव में यहाँ तीन प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग हो गया। अपने आप वाक्य से पता चलता है कि यह लड़का ईमानदार है, कोई कह रहा है किसी के बारे में, है ना, तो खुद वक्ता या जो बताने वाला है या जो कहने वाला है वो ये कह रहा है कि यह लड़का ईमानदार है। तो कहने वाला तो खुद क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और वो क्या कर रहा है? किसी को बता रहा है, किसी को कह रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यह लड़का ईमानदार है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लड़का क्या है? ईमानदार। तो आप लोग क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। और वो जो लड़का है वो क्या हो गया? वो लड़का है वो क्या हो गया भाई? हमें पता है, अन्य पुरुष हो गया। तो इसी प्रकार अपन, है ना, एक एक चीज पढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जब अपन उत्तम पुरुष की बात करते हैं, किसकी? उत्तम पुरुष की। तो एक चीज आपको देखनी होगी, उत्तम पुरुष के अंदर जो चीज आती है वो है एक तो मैं, ध्यान दे भाई, एक तो मैं आता है और एक आता है आप, एक तो आता है मैं और एक आता है आप। अब मैं से बनेंगे जो सारे शब्द है वो इसी में आ जाएंगे, है ना, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है ना, मुझ में, मुझ से, वो इसी से बने होंगे सारे शब्द। स्वरूप बदलता जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, कहीं किसी के साथ प्रयुक्त होगा, किसी के साथ प्रयुक्त होगा, लेकिन मेन शब्द यही है। वो कौन सा है? मैं है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज यही बता देना चाहता हूं, मैं का जो प्रयोग है ये किस में होता है? एकवचन में होता है। किस में होता है? एकवचन में होता है, यानी कि जो बताने वाला है, कर्ता अपने लिए ना, श्रोता अपने लिए ये शब्द का प्रयोग करता है। अपन बात करेंगे अपने लिए की बात करेंगे तो निजवाचक के लिए भी काम आएगा, लेकिन यहां मैं की बात कर रहा हूं, मैं, ठीक है। तो ये जो मैं है ये बताने वाला क्या है? उत्तम पुरुष है, तो उसके लिए क्या आता है? मैं। और एक होता है आप, ये तो मैंने बताया एकवचन। और जब हम क्या हो जाए भाई, अब मैंने यहाँ आप लिख दिया जिसका यहाँ पर अभी कोई प्रसंग नहीं, लेकिन यहाँ मैंने दोनों लिखा है, एक तो मैं और एक आप। अब हम क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। मैं तक तो मामला ठीक था, लेकिन मैंने आप इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इस मैं और आप में फर्क समझना चाहते हैं। इसमें क्या समझना चाहते हैं? फर्क। तो मैं मतलब मैं कह रहा हूं आप लोगों को, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ, ठीक है, कहने वाला, या कह सकते हैं वक्ता, और जो मतलब बताने वाला है तो वो हो गया। और अब आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, तो आप क्या नहीं होंगे? उत्तम पुरुष नहीं होंगे। आप किस में जाओगे? अन्य पुरुष में भी जाओगे। किस में जाओगे? अन्य पुरुष में भी जाओगे और मध्यम पुरुष में भी। आप शब्द है ये तीन जगह आएगा साथियों, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, यानी कि अपने इसी अध्याय के बाद में बता दूंगा आखिर में कि आप जो शब्द है इसका तीन जगह क्या होता है? प्रयोग होता है। इसी प्रकार कुछ और शब्द भी है, यह, वह, ये और वे और वो, ठीक है, इस प्रकार के भी शब्द हैं। तो यहाँ ध्यान दे ले, अभी मैं इस आपको यहाँ नहीं लिख रहा हूं। एक शब्द होता है, देखो मैं में तो मैं अकेला हो गया, लेकिन अब जब हम दोनों हो, आप लोग भी हो और मैं हूं, तो अब हम क्या हो गए? सब, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, इसके लिए ये शब्द तो होगा नहीं, तो यहाँ होगा हम, ठीक है, मैं और हम, हमारा, हमारे, हमारी, ठीक है, हमारे लिए,
ठीक है, वो सारे क्या होंगे इसमें आएंगे। तो देखो मैं और हम क्या होगा बहुवचन, हम क्या होगा बहुवचन, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना दोनों शब्द क्या है उत्तम पुरुष है और इसी से बने हुए सारे शब्द उत्तम पुरुष होंगे। अब देखो मध्यम पुरुष की बात करते हैं, तो देखो मध्यम पुरुष में एक तो शब्द आता है तू, ध्यान देना भाई तू शब्द किसके लिए काम लिया जाता है, अपनों से छोटों के लिए, अपने जैसे मान लो मतलब आप लोगों का कोई छोटा भाई है तो हम उनको क्या है तू कहकर के पुकार देते हैं, यानी हमसे जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो तू का क्या प्रयोग होगा एक वचन में, दूसरा छोटों के लिए यानी अपने से किसके लिए छोटे लोगों के लिए, ठीक है। और अगर अपन बात करें उसके बाद एक शब्द और आता है तुम, क्या आता है तुम, तो ये जो तुम शब्द है बहुवचन में भी आता है तो है ना, दोनों में भी आता है। तो बात करें एक वचन बहुवचन दोनों में आता है, ये एक वचन में भी आता है और ये किस में आता है बहुवचन में भी आता है, ठीक है। कौन सा तुम, अंग्रेजी में आप लोग यू ध्यान देते हो ना यू के बारे में, तो देखो तू तुम। और अब अपन बात करें किसकी, एक और जिसकी बात कर रहे थे तू तुम, ये तो दोनों ही क्या है एक तरीके से आदर सूचक शब्द नहीं हुए, तो आदर सूचक शब्दों की बात करेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आप, कौन सा आप। अगर आप लोग किसी को प्रभावित करना चाहते हो, अपनी बात अगले के दिल में उतारना चाहते हो, अगले से कोई काम निकलवाना चाहते हो, या वास्तव में आप अगले व्यक्ति से क्या करना चाहते हो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आदर सूचक है ना उसको पुकारना चाहते हो, तो मित्रों न तो हमें तू कहना चाहिए और न तुम कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए आप, हमें क्या कहना चाहिए आप। तो ये देखो आप, और आप भी समझ गए होंगे मित्रों, आप भी इस बात को समझ गए होंगे, तो तू एक वचन छोटे के लिए, तुम एक वचन बहुवचन, ठीक है। और ये जो आप शब्द है ये है ना आदर सूचक के लिए हो गया, आदर सूचक शब्द है, आदर सूचक यानी बड़ों के लिए अपन काम लेते हैं, बड़ों के लिए या किसी के लिए आदर के लिए जब अपन काम करते हैं, मेरे कहने का मतलब है आदर सूचक शब्द है आप, यहाँ बड़े छोटे का वैसे कोई प्रश्न नहीं उठता, अगर आप छोटे का भी आदर करना चाहते हो तो वहाँ आपका प्रयोग कर सकते हो, ये मीठी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। तो ये मैंने तीन बताया तुम और आप, तीनों प्रयोग कहाँ होते हैं, तीनों का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। अब अपन बात करेंगे किसकी, अपने अन्य पुरुष की, किसकी बात करने वाले हैं अन्य पुरुष की, यानी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, मैं हूं उत्तम पुरुष, आप हो क्या मध्यम पुरुष, और जब अपन बात किसी अन्य व्यक्ति की कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया भाई, वो क्या हो गया, सीधी सीधी बात है वो क्या हो गया अन्य पुरुष हो गया। जैसे मैंने ये कहा यह लड़का ईमानदार है, तो ये वाक्य मैंने लिखा है ना, ये वाक्य मैंने लिखा कि यह लड़का ईमानदार है, तो लिखा मैंने तो उत्तम पुरुष, सुना आपने पढ़ा आपने क्या हुए मध्यम पुरुष, और यहाँ ये जो लड़का है ये क्या हो गया भाई ये अन्य पुरुष, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं इस लड़के की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो अब अपन बात करते हैं एक और अच्छी बात, और वो कौन सी है इस तीन नंबर की अन्य पुरुष के बारे में, और अन्य पुरुष के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कैसे कि ये अपन बात करेंगे जैसे ये लड़का ईमानदार है ये वाली बात तो हमने कर ली, तो अन्य पुरुष के बारे में हमने ये सोच रखा है कि भाई सुनने वाला है वो तो क्या होगा बीच में, कहने वाला वो ऊपर, तो नीचे नीचे क्या होगा जिसके बारे में बात होगी अन्य की, तो अन्य कौन होगा मैं आपको शब्द पकड़ाता हूँ आप समझ जाना, एक तो है यह है, एक शब्द तो है यह है, एक है वह है, ध्यान दे एक है ये और एक है वे एक है वो, ठीक है। ये जो पांच शब्द है इनको आप क्या कर लेना गांठ बांध लेना, ठीक है। कितने शब्द है पांच शब्द, ये वे और वो, ये सारे शब्द किसके लिए आएंगे अन्य पुरुष के लिए आएंगे, किसके लिए आएंगे अन्य पुरुष के लिए आएंगे। और कई बार ये शब्द भी काम लिया जाता है आप शब्द आदर सूचक के लिए बात करेंगे, तो देखो ये जो है सबसे पहले ध्यान दे लेना ये एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, और ये किसके लिए समीप है ना नजदीक के लिए या निकट के लिए काम लिया जाता है,
निकट के किसी के लिए बताया जाता है, जैसे यह है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ यह बोर्ड है, मैंने क्या कहा यह बोर्ड है, मैंने क्या कहा यह बोर्ड है, यह पेन है, तो नजदीक है, बात हम इसकी कर रहे हैं तो नजदीक है। अगर वह की बात करेंगे तो यह भी एक वचन तो होगा लेकिन यह दूर होगा, ये क्या होगा दूर। वह व्यक्ति दौड़ रहा है, वह बालक भाग रहा है, तो मैंने का मतलब थोड़ा दूर है तो वह है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी यह की, तो साथियों ये क्या होगा बहुवचन होगा, क्या होगा बहुवचन होगा, और ये किस में प्रयुक्त किया जाएगा, यानी ये भी किसके लिए नजदीक के लिए, निकट के लिए, किसके लिए निकट के लिए। और अब अगर अपन बात करेंगे किसकी इस वे की, तो ये भी बहुवचन है, और ये बहुवचन किसके लिए काम लिया जाएगा बहुवचन है, और ये दूर के लिए, किसके लिए दूर के लिए। इसी प्रकार वो है ना, वो किसके लिए है, इसी प्रकार जो वो है वो भी क्या है दूर के लिए है, बहुवचन में ये भी काम लिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी किसके लिए दूर के लिए, और ये जो आप है ये आदर सूचक शब्दों के लिए काम लिया जाएगा, आदर सूचक शब्दों के लिए काम लिया जाएगा। अपन बात करेंगे जैसे अन्य व्यक्ति का परिचय कराते वक्त भी हमेशा काम लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, भारत के सच्चे देशभक्त थे, आप एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हम इस प्रकार आप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी क्या है इसी शब्द में आने वाला है। तो हम आप तीन जगह आप आएंगे, और तीन जगह भी ये वे और वो और आप ये भी आएंगे, तो मैं आप लोगों को इन तीनों के बारे में बेहतर तरीके से अगली कक्षा में है इसमें इससे संबंधित जितने भी डाउट है वो मैं आपको दूर कर दूंगा, और अगली कक्षा में हम सर्वनाम पूरा भी कर लेंगे। तो बेहतरीन जो अध्ययन है हम कर रहे हैं, और रटना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस केवल समझना है ध्यान लगा करके, और है ना, और इस चीज को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें, थोड़ा लिख भी लें, ताकि लिखी हुई चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाए स्थायी हो जाए, ठीक है। और इन्हीं चीजों के साथ मैं आज की जो कक्षा को यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।